सर्दियों के इस मौसम में जहां बीमारियों का खतरा बढ़ता है, वहीं मोटापे का भी डर बना रहता है। इस मौसम को खाने के लिहाज से बेहतरीन मौसम माना जाता है, लेकिन ज्यादा खाना आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। गर्मी के मुकाबले सर्दियों में फल और सब्जियों की ज्यादा वैरायटी बाजार में होती है, ऐसे में अलग अलग तरह की चीजें हम खाने लगते हैं। सर्दियों में ऑयली चीजें भी लोग ज्यादा खाते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट इसे खतरनाक मानते हैं, क्योंकि अचानक डाइट में बदलाव हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है। हार्ट अटैक के अलावा ब्लड प्रेशर की समस्या भी इस मौसम में बढ़ने लगती है। सर्दियों में ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाने का मन करता है। साथ ही लोग बार बार चाय भी पीते हैं, जिससे शरीर में बीपी की समस्या तेजी से बढ़ती है। खून की नसें सर्दी के कारण पहले से ही सिकुड़ गई होती हैं, जिससे खून का प्रवाह बहुत कम हो जाता है। सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज और मोटापे की समस्या भी आम बात जैसी हो गई है, क्योंकि कम फिजिकल एक्टिविटी, खान पान में बदलाव सेहत के लिए बहुत हानिकारक बन जाता है। जैसे विंटर्स आती है, उसमें कुछ कुछ आपकी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं ब्लड में, जैसे फिब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब खून का थपका जमने की या क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलकर किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आने के लिए प्रोन बनाते हैं। सर्दी आने का मतलब और हार्ट अटैक आने का मतलब ये नहीं कि आपको घर में बैठे रहना है या कुछ एक्टिविटी नहीं करनी। आपको अपना एक्टिविटी लेवल मेंटेन करना है, बस थोड़ा टाइमिंग आप चेंज कर सकते हैं कि बहुत अर्ली मॉर्निंग की बजाय जब थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन आता है उस टाइम जाके अपनी एक्टिविटी मेंटेन रखनी है। आपको कम खाना है या जितना आप समझ में खाते थे हो सकता है उससे भी कम खाने की जरूरत आपको विंटर से पड़ेगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा कम हो जाता है, आपकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है। आपको अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको हार्ट अटैक के खतरे के बचाव के तरीके बताते हैं। वजन को कंट्रोल में रखें, वजन ना बढ़ने दें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, रोजाना आधे घंटे की सैर करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने की कोशिश करें, डायबिटीज को कंट्रोल करें, अधिक ना खाएं, गुनगुने पानी का सेवन जरूर करें, मौसमी फल सब्जियां ज्यादा खाएं और बाहर का खाना कम खाएं। तो आप इन उपायों को अपनाकर और खतरों से सावधान रहकर हेल्दी रह सकते हैं। ऐसी सभी हेल्थ अपडेट के लिए देखते रहे TV9 भारतवर्ष, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल जरूर रखें।